नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज रीजनिंग का क्लास शुरू होने वाला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यह सब भी को नहीं आता, यह होने वाला इनक्वालिटी से मतलब कि इक्वलिटी से टेस्ट है। तो असमानता का परीक्षण आज हम करेंगे, जैसे एक जैसे मतलब कि इसमें दोस्तों बहुत सारे हम प्रश्नों की बात करेंगे। अब इसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, पहले तो बात करते हैं चिन्ह की। जैसे इसमें चिन्ह कैसे होते हैं, इस प्रकार का अगर चिन्ह दिया रहता है तो हम कहेंगे यह दोस्तों यह बड़ा है, यह बड़ा वाला देन मतलब कि यह बड़ा है जो इधर दोस्तों यह डिनोट करता है, यह हम कहेंगे यह बड़ा है। और ऐसा अगर दिखाई देता तो यह दोस्तों छोटा है, यह छोटा है। किसके बारे में बात किया गया है, अगर हम बात करते हैं अगर इन दोनों के बीच में ऐसा चिन्ह दिया गया है तो हम कहेंगे ए बड़ा है बी से। अगर इस प्रकार का चिन्ह दिया गया दोस्तों तो हम कहेंगे बी छोटा है मतलब कि ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। अब की बार दोस्तों अगर इस प्रकार से आता है तो हम कहेंगे ए बड़ा है और बराबर है बी के, ए बड़ा है और बराबर है बी के। तो ऐसा यहाँ पर क्या है, और इस प्रकार का अगर आता है तो हम कहेंगे ए छोटा है या बराबर है बी के, मतलब कि एच बड़ा ए छोटा है या बराबर है बी के। अगर इस प्रकार का आता है तो हम कहेंगे दोस्तों, अगर इस प्रकार से आता है तो हम कहेंगे यह एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर हैं। इतने थे दोस्तों इसमें चिन्ह, पांच प्रकार के चिन्ह इसमें आने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या क्या है दोस्तों। हम यहाँ पर एक कंसेप्ट लेकर आए हैं, डोरमैट कंसेप्ट। डोरमैट कंसेप्ट क्या होता है, डोरमैट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर पायदान। पायदान जैसे दरवाजे पर एक पायदान लगा होता है, अगर हम दोस्तों पायदान पे अगर गुड़ मतलब कि पायदान क्यों लगा होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वेलकम आगे वेलकम लिखा होता है, उस मतलब जो पायदान होता है पायदान पर वेलकम लिखा रहता है। और दोस्तों उस पायदान पर क्या करते हैं सारे लोग मतलब कि चप्पल को मतलब जूता या चप्पल कुछ भी उतार करके दोस्तों वहाँ पर पायदान पर अपने पैर को रगड़ते हैं, उसके बाद दोस्तों घर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर पायदान का अगर हम ऐसे ही करते हैं पायदान का, तो पायदान का ऐसे दोस्तों इस प्रकार से अगर हम कहेंगे जहाँ पर भी दोस्तों ऐसा दिखेगा हम कहेंगे वहाँ पर पायदान लगा है, जहाँ पर या इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों हम कहेंगे वहाँ पर पायदान लगा है। अगर जिसमें यह लगा हुआ है तो हम कहेंगे सम में दोस्तों पायदान आना चाहिए, क्योंकि वह अगर एक बार गोड़ सफा कर लिया है दोस्तों तो हम कहेंगे हर एक घर में उसको गोड़ सफा करना पड़ेगा। अगर जिसमें यह नहीं लगा हुआ है, जिसमें दोस्तों यह नहीं लगा हुआ होगा मतलब जिसमें पायदान नहीं लगा होगा, तो हम कहेंगे बाकी अब किसी में पायदान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी में पायदान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब एक बार उसका घर गंदा हो गया है, गंदा हो गया तो दोस्तों और क्यों पावदान अब लगाए, जब तो उसका घर गंदा हो गया पहले से ही तो पावदान क्या लगाए। दोस्तों ऐसे कंसेप्ट को हम इसमें सीखेंगे, मज़ेदार कंसेप्ट होने वाला है यार। तो अगर देखते हैं तो यह ऐसी अगर दी रहती तो हम कहेंगे अगर इधर ओपन है तो यह इस प्रकार से इधर ओपन हो जाएगा, और यह दोस्तों हम कहेंगे यह इधर क्लोज है और इधर ओपन है, मतलब कि अगर इस प्रकार से है तो हम कहेंगे यह इधर से इधर जा सकता है पूरा का पूरा, इसके लिए दोस्तों जो इधर होगा इसके लिए इधर ओपन है मतलब कि यह खुला हुआ है। आगे अगर इस प्रकार से है तो हम कहेंगे यह है दोस्तों इधर से तो क्लोज है, मतलब वह इधर से इस घर में नहीं जा सकता है। वह जाएगा तो वह कौन जाएगा, वह जाएगा तो दोस्तों इस द्वार से वह घर में जा सकता है। बाकी इसमें देखते हैं दोस्तों यह ओपन है, और दोस्तों यहाँ पर वह पावदान वाला भी आ रहा, देखिए या जो आ रहा है तो हम कहेंगे यह ओपन भी है और दोस्तों यहाँ से पावदान भी आ रहा है, तो हम कहेंगे यह आगे जा सकता है। मगर आगे कब जा सकता है, जब आगे की स्थित हम कहेंगे पावदान लगा होगा घर में, तभी वह घर में प्रवेश कर सकता है। जैसे यहाँ से क्लोज वाला बात कर देंगे तो दोस्तों वह क्लोज है, किस लिए क्लोज है, तो हम कहेंगे वह पावदान लगा हुआ मतलब कि वहाँ पर इसलिए वह क्लोज है। आगे देखते हैं नेक्स्ट केस के केस कौन कौन सी बन सकती है। अगर दोस्तों इस प्रकार से केस दी गई है, जैसे ए जो है दोस्तों वह बड़ा है और बराबर है, ए बड़ा है और बराबर है बी के, तो इस केस में बताया गया है इस केस में ए से बी तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमैट होना चाहिए। कहा गया है कि ए से अगर हमको बी तक जाना है दोस्तों, क्योंकि यह जो है यह ओपन है, ओपन है तो हम बी तक जा सकते हैं, तो कहा गया है अगर ए से बी तक जाना हुआ तो हम का दोनों मतलब कि दरवाजे हर दरवाजे पर डोरमैट होना चाहिए, हर दरवाजे पर डोरमैट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक दरवाजे पर डोरमैट नहीं है दोस्तों, तो हम कहेंगे यह नहीं होगा, यह नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल पी जो है दोस्तों वह बड़ा है बराबर है क्यू जो है क्यू से, और क्यू जो है दोस्तों वह बड़ा है बराबर है आर से, और आर बड़ा है एस से। तो बताना है
कि निष्कर्ष क्या निकल रहा है। फर्स्ट निष्कर्ष निकल रहा है क्या दोस्तों, हम अब पी से यस में जा सकते हैं। क्या पी से यस में हम जा सकते हैं दोस्तों? अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमने कहा कि हर जगह पर डोरमेट होना चाहिए, मगर यहाँ पर देखें डोरमेट है, बिल्कुल सही है। यहाँ से भी डोरमेट है, मगर दोस्तों यहाँ से भी डोरमेट इसमें नहीं है। तो डोरमेट नहीं है तो इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, तो विकल्प नंबर फर्स्ट गलत। सेकंड चेक करते हैं, यहाँ भी दोस्तों वह इसी प्रकार से दिया गया है, इसमें भी वह इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया। कैसे दिया गया? जैसे पी जो है दोस्तों वह बड़ा है और बराबर है आर के। तो क्या पी बड़ा है बराबर है आर के? हम कहेंगे पी से अगर हमको आर तक जाना हुआ तो हम कहेंगे ओपन है, सही है, ओपन भी है, ओपन भी है, यहाँ पर आर तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे डोरमेट, डोरमेट इसमें भी है दोस्तों और डोरमेट इसमें भी है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। तो यह दोस्तों यह बन सकता है विकल्प नंबर, जो निष्कर्ष नंबर सेकेंड दिया गया दोस्तों, यह बन सकता है, यह बन सकता है। जब दोस्तों ओपन है तो हम कहेंगे यह बन सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट केस को, तो दोस्तों इसमें से और एक का देखते हैं एग्जांपल को कुछ और। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का इस प्रकार, जैसे कथन दिया गया है यम, इस प्रकार से कथन दिया गया। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से तो बताया गया है कि पी जो है पी बड़ा है और बराबर है यम के। तो दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे डोरमेट इसमें आ रहा, तो हम कहेंगे हर एक में डोरमेट आना चाहिए, डोरमेट आना चाहिए। पी से देखते हैं तो पी से आकर दोस्तों यहाँ पर हम जाते हैं, सही बात, यहाँ से हम चले जाएंगे क्योंकि यह इधर ओपन है। तो पी से हम ओ में चले जाएंगे, ओ से हम एन में चले जाएंगे और एन से हम यम में चले जाएंगे, एन से हम यम को चले जाएंगे। तो देखते हैं हर मेट हर दरवाजे पर डोरमेट है, जी हाँ इसमें भी डोरमेट है, इसमें भी डोरमेट है और इसमें भी डोरमेट है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। सेकेंड वाले की बात करते हैं, पी जो है दोस्तों वह बड़ा है और बराबर है यानी के, पी बड़ा है और बराबर है यानी के। क्या पी जो है बड़ा है बराबर है यानी के? तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो हमने कहा कि पी से हमको जाना हुआ यन में, क्योंकि इधर से यह ओपन है, तो हम कहेंगे जब ओपन है तो पी हर जगह जा सकता है, पी हर जगह जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ से देखते हैं पी पी के लिए यह ओपन है, यह भी ओपन है, तो यन तक आना दोस्तों वह बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दोस्तों एक और यहाँ से निष्कर्ष चेक करते हैं, एक और निष्कर्ष मतलब एक और कथन और निष्कर्ष देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कथन, कथन दिया गया है कि ए जो है वह इस प्रकार से है, मतलब कि बताना है कि निष्कर्ष क्या निकला। हम निष्कर्ष की यहाँ से चर्चा करते हैं, तो निष्कर्ष जो है दोस्तों वह ए की तरफ दोस्तों ए को जाना हुआ डी तक, ए को जाना हुआ डी तक। तो यहाँ से अगर हमको ए से डी तक बनाना है तो हम कहेंगे हर एक को ओपन करना है और डोरमेट होना जरूरी है, हर एक को ओपन करना दोस्तों और डोरमेट होना जरूरी है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर विकल्प नंबर एक सही है। सेकंड चेक करते हैं सेकंड वाले को, तो ए से हमको दोस्तों सी में जाना हुआ, तो यहाँ से देखेंगे ए से सी में अगर जाना हुआ तो जो डोरमेट है हर जगह होना चाहिए, हर जगह डोरमेट होना चाहिए। और यहाँ पर प्लस प्लस हम कहेंगे कि ए से सी तक उसको दोस्तों जाना चाहिए। जैसे यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से ओपन है बिल्कुल चला जाएगा, बी ओपन है बी भी चला जाएगा सी के पास, सही है। यहाँ से सब एक्यूरेट, सी वाला भी जा सकता है, ए भी जा सकता है सी के पास। नेक्स्ट क्या दिया गया? कहा गया है कि ए बड़ा है और बराबर है ए से, ए जो है दोस्तों वह ई के पास जा सकता है। अगर यहाँ से देखते हैं तो डोरमेट दोस्तों ओपन है, डोरमेट भी है, डोरमेट भी है और डोरमेट भी है, जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ से ए से बी तक जाने में ओपन है, बी जो है वह ओपन है सी के पास चला जाएगा, सी जो है दोस्तों ओपन है वह डी के पास, मगर डी जो दोस्तों यहाँ से क्लोज है, वह या किस प्रकार का था? इस प्रकार का क्लोज था, मतलब कि वह ई के घर नहीं जा सकता है, डी जो है दोस्तों वह ई के घर नहीं जा सकता है, इसलिए डी वाला मतलब कि यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं आगे केस नंबर टू, दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस इस प्रकार से बने, जैसे दिया गया है ए जो है बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, मतलब कि ए जो है वह बी के घर जा सकता है। कैसे? इस केस में ए से बी तक जाना हो तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट होना नहीं चाहिए, मतलब कि अगर बताया गया है कि अगर हमको इस प्रकार से दिखना है तो हम कहेंगे कम से कम एक डोरमेट पर, मतलब कि एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए अगर हमको जाना हुआ तो, जैसे इस प्रकार का सवाल आता है तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पर भी हो सकते हैं।
तो यहाँ से आगे देखते हैं निष्कर्ष एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं। कथन, कथन यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से और निष्कर्ष निकल रहा दोस्तों इस प्रकार से। अगर हम निष्कर्ष की चर्चा करते हैं दोस्तों, कहा गया है ए जो है वह जा सकता है क्या सी के पास, ए जा सकता है सी के पास, और बताया गया कि कम से कम एक के पास डोरबेट नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों ए जो है वह बी के पास भी जा सकता है और बी जो दोस्तों वह सी के पास जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है यहाँ से। अगर हम बात करेंगे कि कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, मगर इधर देखें दोस्तों डोरमेट इसमें भी है और डोरमेट इसमें भी है, मतलब कि दोनों स्थान पर भी डोरमेट हैं, तो इसलिए एक गलत हो जाएगा। सेकेंड चेक करते हैं ए जो है वह डी के पास क्या जा सकता है, देखते हैं यहाँ से हम। अगर हम बात करेंगे दोस्तों ए क्या डी के पास जा सकता है, तो ए जो है दोस्तों डी के पास बिल्कुल जा सकता है यहाँ पर। आगे डोरमेट कम से कम एक में नहीं होना चाहिए, तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर डोरमेट नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो निष्कर्ष आएगा वह सेकेंड वाला बिल्कुल सही जवाब आएगा। बोला दोस्तों सेकेंड वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से अगला दिया गया, जैसे इसी में हम क्वेश्चनों की बात करते हैं कुछ, जैसे कथन है और निष्कर्ष। कथन क्या दिया गया है, यहाँ से हम निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। निष्कर्ष दिया गया दोस्तों क्या ए जो है वह डी के पास जा सकता है, ए डी के पास जा सकता है। अगर यहाँ से देखते हैं ए जो है बी के पास जा सकता है, सी के पास जा सकता है दोस्तों, और डी के पास भी जा सकता है। अगर यहाँ से देखते हैं हम तो देखेंगे डोरमेट दोस्तों यहाँ पर है और डोरमेट यहाँ पर नहीं है और डोरमेट यहाँ पर है। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा जो आगे अभी हमने दिखाया था कि उसमें बताया गया है कम से कम एक जो है दोस्तों स्थान पर वह डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर डोरमेट नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से यह पहला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाला क्या बी जो है दोस्तों वह डी के पास जा सकता है, बी डी के पास जा सकता है, हम कहेंगे यहाँ से देखते हैं। तो इनमें से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल जी हाँ का आपसे यहाँ से निकल के आ रहा है उत्तर। कैसे, अगर हम इनका देखते हैं तो क्या बी डी के पास जा सकता है, देखते हैं तो बी जो है दोस्तों वह सी के पास चला जाए क्योंकि इधर से ओपन है, और सी जो दोस्तों वह डी के पास चला जाएगा, बिल्कुल दोस्तों यहाँ चला जाएगा। और यहाँ से चेक करते हैं दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर एक दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, हर एक दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं डोरमेट इसमें भी है और डोरमेट इसमें नहीं है और इसमें है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि हर एक दरवाजे पर कम से कम एक में डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से जो हो जाएगा दोस्तों यह भी सही हो जाएगा और यह भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों दोस्तों यहाँ पर सही होने वाले हैं, मतलब कि पहला और दूसरा। यहाँ से ये कथन और बात करते हैं, कथन नंबर यहाँ से दिया गया दोस्तों, जैसे ए को हमको बी से निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष क्या दिया गया है, जैसे ए को हमको डी के पास जाना हुआ, ए को डी के पास जाना हुआ हमको, जैसे यहाँ से देखते हैं हम ए डी के पास चला जाएगा, ए बी के पास चला जाएगा, बी जो है सी के पास चला जाएगा क्योंकि इधर से घर ओपन है, मगर सी जो दोस्तों वह डी के पास नहीं जाएगा, वह डी के पास नहीं जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों यह गलत हो जाएगा। आगे ए से हमको सी तक जाना हुआ, मतलब कि घर भाई आपसे ए के लिए अगर सी पर जाते हैं दोस्तों सही हम चले जाएंगे, आगे बी को जाना है सी पर तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल क्योंकि इधर से इसका घर ओपन है। और डोरमेट की बात करते हैं कि कम से कम बताया गया है एक में डोरमेट नहीं होना चाहिए, दोस्तों यहाँ पर डोरमेट है और इसमें नहीं है, तो यह बिल्कुल बनाया जा सकता है, विकल्प नंबर जो निष्कर्ष सेकेंड आ रहा है यह बिल्कुल इसका सही जवाब आने वाला है, बिल्कुल सही जवाब आने वाला। केस नंबर यहाँ से हम थर्ड बात करते हैं दोस्तों, केस नंबर थर्ड क्या है, जिसे दिया गया है ए बराबर बी, मतलब कि अगर इस प्रकार का आता है तो ए बराबर बी का, तो इस केस में हम कहेंगे हर दरवाजे पर डबल डोरमेट होना चाहिए। कहा गया है हर दरवाजे पर कम से कम एक डबल डोरमेट होना चाहिए। दोस्तों इसको सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एग्जाम्पल ए जो है दोस्तों वहाँ बड़ा है और बराबर है, ए बड़ा है बराबर है बी के, ए बड़ा है बराबर है, मतलब यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। और यहाँ से हम निष्कर्ष की बात करते हैं, जैसे ए बराबर है डी के, ए बराबर है डी के, क्या दोस्तों हम डी के पास जा सकते हैं यहाँ से ए से, तो देखेंगे नहीं, कम से कम बताया गया दो डबल डोरमेट होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल ही डोरमेट आ रहा है, तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं या नहीं बनाया जाता है, एक वाला गलत, दो वाले को बात करते हैं।
दो वाले की कहा गया है बी बराबर ई, क्या बी से ई बनाया जा सकता है? तो देखेंगे यहाँ से, तो आगे बात करते हैं ए से बी, यहाँ पर सिंगल ही दोस्तों डोरमेट आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा। बी से सी सही है, और बी से सी से डी सही है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों डी से आगे, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही डोरमेट आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। थर्ड से सेकेंड बात करते हैं, कहा गया सी से हमको ई में जाना हुआ, सी से ई तक जाना हुआ, तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? तो यहाँ से कंडीशन की बात करते हैं, तो कंडीशन यह होगी दोस्तों कि अगर उसको सी के से ई तक जाना हुआ, तो हम कहेंगे कम से कम दो डोरमेट जरूर होना चाहिए, दो डोरमेट होना जरूर चाहिए। यहाँ से देखते हैं सी बराबर डी, और डी जो दोस्तों बड़ा है बराबर है ई के, डी बड़ा है और बराबर है ई के, तो यहाँ से देखते हैं तो आगे कौन सा सिलेंडर सही होगा, कौन सा दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन सही जवाब आने वाला। जैसे सी बराबर है डी के, तो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है सी जो है यहाँ पर आ रहा है डबल डोरमेट आगे, आगे यहाँ पर दोस्तों डोरमेट डबल नहीं आ रहा, यहाँ पर सिंगल ही आ रहा, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं, क्या बी से डी बनाया जा सकता है, क्या बी से डी बनाया जा सकता है? तो यहाँ से देखते हैं, तो बी यहाँ पर डबल डोरमेट आ रहा है, सही है, यहाँ पर भी डबल डोरमेट आ रहा है, इस जगह पर, इस जगह पर, तो हम कहेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। कौन सा? विकल्प नंबर जो चार दिया गया निष्कर्ष, या दोस्तों बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं एक और दोस्तों यहाँ पर बनता है एक और कंडीशन, वह कंडीशन है आइदर आर की, आइदर आर की कंडीशन कब बनती है? चलिए दोस्तों देखते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। जैसे दिया गया केस नंबर चार, आइदर आर वाला केस, आइदर आर वाला केस कहाँ पर बनेगा? जैसे यहाँ से देखते हैं हम कि अगर दोस्तों इस प्रकार से आता है तो कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ए वाले में अगर दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है और बी वाले में दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए या का ऑप्शन लगेगा, मगर यहाँ पर जो वैल्यू दी रहेगी दोस्तों वह सेम ही दी रहेगी, वह वैल्यू सेम ही दे रहेगी, और यहाँ पर जो कंडीशन होने दोस्तों वह इन दोनों में, मतलब कि यह जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब कि यह दोनों होने चाहिए और यह भी दोनों होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए और यह दोनों भी बात करते हैं यहाँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं तो इनमें से एक तो है, तो ऊपर वाला है यहाँ से, और नीचे वाला इसमें से भी है, इसमें से यह भी ऊपर वाला है, आगे दो में, तो दोस्तों अगर यह ऊपर वाला है यहाँ से इस प्रकार से, तो नीचे वाला भी इसमें दिया गया या वाला, तो यहाँ पर दोस्तों कंडीशन या का बनेगा, या का मतलब आइदर आर का बनेगा, मतलब या तो यह बनाया जा सकता पहला, या तो बी वाला बनाया जा सकता, इस प्रकार से कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है। अगर देखते हैं आगे, तो आगे दोस्तों हम कहेंगे यह दोनों साथ में आ सकते हैं और यह भी दोनों साथ में आ सकते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर चार कंडीशन बनेगी, दो दो यहाँ पर कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पर, इन्हें सभी को दोस्तों चेक कर लेना, बस उसके बाद यह आपका सही हो जाएगा। जैसे आगे बात करते हैं यहाँ से कथन और निष्कर्ष की, तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कथन निष्कर्ष दिया गया है, ए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, तो आगे क्या पूछा गया निष्कर्ष, कहा गया ए बराबर ई है, क्या ए जो है दोस्तों वह ई के पास जा सकता है? अगर यहाँ से देखते हैं हम, तो ए बराबर बी है, कहा गया है कि दो डबल डोरमेट होना चाहिए, यहाँ पर डबल डोरमेट नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। आगे ए जो है वह सी के पास जा सकता है, क्या ए जो है वह ई के पास जा सकता है? तो हम कहेंगे यहाँ से देखते हैं ए से बी जा सकते हैं, सही है, यहाँ से भी बी से जा सकते हैं आगे, सही है, तो सी से दोस्तों हमको ई में जाना हो, अब सी यहाँ पर है, हम कहेंगे यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी दोस्तों हम कहेंगे घर ओपन है, मगर अगर यहाँ से बात करते हैं कि बताया क्या गया था कि कम से कम एक पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, दोस्तों यहाँ पर भी डोरमेट दिया गया है, और इस जगह पर, इस घर पर भी डोरमेट दिया गया है, और इस वाले घर पर भी डोरमेट दिया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ से दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं पहले वैल्यू सेम है, जी हाँ यहाँ पर भी ए ई है और इस जगह पर ए ई है, तो इस जगह पर लगने वाला है आइदर, आइदर आर का केस लगने वाला है। जैसे बात करते हैं यहाँ से सेकंड कथन की, तो कथन और निष्कर्ष की, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया गया, पहले निष्कर्ष जो दिया गया वह आर बराबर पी दिया गया,
आर जो है दोस्तों वह पी के क्या बराबर है, देखते हैं, डबल डोरमेट आना चाहिए दोनों के बीच में, तो यहाँ पर सिंगल डोरमेट आ रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। आगे यूं जो है दोस्तों वह क्या वाई के पास जा सकता है, यूं जो है क्या वाई के पास जा सकता है, पी के पास चला जाएगा। और पी दोस्तों जो है यहाँ से देखते हैं, और पी दोस्तों जो है वह वाई के पास जा सकता है, वह वाई के पास जा सकता है, तो हम कहेंगे यहाँ से बिल्कुल जा सकता है। आगे थर्ड दिया गया कि पी जो है वह दोस्तों आर के पास नहीं जा सकता है, पी आर के पास नहीं जा सकता है, पी देखते हैं कहां पर, यहां पर है, और आर जो है दोस्तों वह पी के पास आ सकता है, तो आर जो है पी के पास चला जाएगा कि नहीं, देखते हैं यहां से, जैसे आर जो है दोस्तों वह चला जाएगा इसके पास, तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि कम से कम एक पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहां पर डोरमेट है, इस जगह पर डोरमेट है, और देखेंगे यहां पर भी डोरमेट एक आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा दोस्तों वह आएगा, हम कहेंगे फर्स्ट, या तो फर्स्ट, क्योंकि इसमें भी पी आ रहा है और इसमें भी पी आ रहा है, हम कहेंगे यहाँ पर या तो फर्स्ट अनुसरण करता है या सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, और उसके बाद तथा या तो फर्स्ट अनुसरण करता है या तो सेकेंड अनुसरण करता, तथा डी सही हो जाएगा, मतलब कि दो सेकेंड वाला है, बी सही जवाब निकल के आएगा। दोस्तों ऐसे ही चलते हैं, अब आशा करते हैं आप सभी को बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को, अब क्वेश्चनों के माध्यम से हम आप सभी को यह बेसिक क्लियर कर देंगे। जैसे इसमें हम बात करेंगे 30 प्लस क्वेश्चनों की, दोस्तों यहाँ से बात करते हैं पहले वाले, अब पहला वाला कथन यहाँ पर दिया गया है, जैसे इस जगह पर कथन दिया गया, हम निष्कर्ष से बात करते हैं, निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, क्या वाई टी के पास जा सकता है, वाई जो है दोस्तों वहाँ टी के पास जा सकता है, पहले वाई देखते हैं कहाँ पर है, y तो दोस्तों यहाँ पर दिया ही नहीं गया, y किसी जगह पर आ ही नहीं रहा है, दोस्तों y जो है क्या t के पास जा सकता है, तो यहां से देखेंगे हम y कहाँ पर दिख रहा है, अगर y की बात करें दोस्तों y इस जगह पर था, y इस जगह पर था, तो पूछा गया कि y दोस्तों जो है हम y को यहाँ पर, क्या y जो है दोस्तों वह t के पास जा सकता है, यहाँ से देखेंगे हम y जा सकता है जे के पास, जे जो है दोस्तों वह यन के पास जा सकता है, यन जो है दोस्तों या यम के घर जा सकता है, यम जो है दोस्तों वह टी के घर जा सकता है। एक और कंडीशन बचते हैं कि कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों चेक करेंगे यहाँ पर डोरमेट नहीं है, इस जगह पर डोरमेट नहीं है, और इस जगह पर भी डोरमेट नहीं है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, कौन सा, एक नंबर निष्कर्ष सही होने वाला। हम सेकेंड निष्कर्ष की बात करते हैं, तो क्या यस जो है जे के पास जा सकता है, यस जे के पास क्या जा सकता है, तो यहाँ से देखेंगे हम यस जो है दोस्तों टी के पास, मगर यहाँ पर देखेंगे क्लोज है, यह क्लोज है, तो क्लोज है तो गलत हो जाएगा। सेकंड, क्या यन जो है दोस्तों वह, क्या यन जो है दोस्तों वह जा सकता है, क्या यन जो है दोस्तों वह जा सकता है, हमको यहाँ से जे की बात करनी है, सॉरी यहाँ से हमने गलत काट दिया था, मगर यहाँ पर हमको जे की बात करनी है, जे दोस्तों देखेंगे वह यन के पास जा सकता है, जन जो है यम के पास जा सकता है, और यम जो है दोस्तों वह यस के पास जा सकता है, सही होने वाला है। और एक और कंडीशन यहाँ से चेक कर लेते हैं, कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो डोरमेट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी नहीं है और इस जगह पर भी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे यह भी सही हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला कहा गया यन जो है दोस्तों वह यस के पास जा सकता है, क्या तो यन जा सकता है यम के पास, यम जा सकता है पी के पास, और पी जो है दोस्तों वह जा सकता है यस के पास जा सकता है। आगे कंडीशन क्या है कि कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे, यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ से यम पे है, आगे यन पे नहीं है, पी और यन पे नहीं है, तो हम कहेंगे यह कंडीशन दोस्तों सही हो जाएगी, यह कंडीशन सही हो जाएगी, बिल्कुल यह भी सही है। आगे बात करते हैं चौथे वाले को, तो चौथा क्या दिया गया दोस्तों, कहा गया यस जो है दोस्तों वह यस वाई के घर क्या जा सकता है, यस जो है दोस्तों क्या वाई के घर जा सकता है, यस कहाँ पर है, यस इस जगह पर है, क्या वाई के घर जा सकता है,
दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो या वाई जो यस जो है पी के घर जा सकता है, मगर पी जो दोस्तों वह यम के घर नहीं जा सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ से हम कौन कौन सा सही है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पहला दूसरा और तीसरा जे जो है दोस्तों यस जो है क्या जे के पास जा सकता है, यस जे के पास जा सकता है। तो यस जे के पास जा सकता है, हमने जे को लाया था दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से सही हैं, तो जो सही होने वाला पहला दूसरा यहाँ पर सही होने वाला है। तो पहला दूसरा कहाँ पर दिया गया, यह केवल और केवल हम कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड सत्य हैं। आगे दोस्तों चेक करते हैं फिर से हम एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दो दिया गया है। यहाँ से हम निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष क्या दिया गया है कि कहा गया है क्या के यल के पास जा सकता है, के यल के पास जा सकता है, मतलब यल जो है दोस्तों सॉरी के पास जा सकता है, क्योंकि इधर से घर क्लोज है के की तरफ से, तो यल के तरफ से खुला, तो यल के तरफ से हम चेक करेंगे के पास। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर भी पहले ही क्लोज दे दिया गया, तो ये किया गलत हो जाएगा, पहला गलत। दूसरा पी जो है तो क्या के ई के पास जा सकता है, पी ई के पास आ सकता है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्लोज है, ई जो है जा सकता नहीं, या भी नहीं जा सकता, तो हम कहेंगे यह गलत है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ना यदि दोनों निष्कर्ष एक व दोनों सत्य है, नहीं यदि या तो निष्कर्ष एक या तो सत्य नहीं, यदि ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है ए जो है दोस्तों वह ई के पास जा सकता है, ए ई के पास जा सकता है क्या, देखेंगे यहाँ तक तो सही है, ओपन है, मगर यहाँ पर क्लोज है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। सी जो है दोस्तों क्या यफ सी के पास जा सकता है, यफ सी के घर जा सकता है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों इस जगह पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी ठीक है और इस जगह पर भी खुला है घर, तो जा सकता है, घर खुला है तो जा सकता है, तो हम कहेंगे वह सी के पास जा सकता है। आगे कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह बनती है कि कम से कम एक के पास दोस्तों हम कहेंगे कि वह चिन्ह नहीं होगा। तो जैसे अगर हम चिन्हों की बात करते हैं तो चिन्ह यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया गया, मतलब कि डोरमेट नहीं है, यहाँ पर डोरमेट नहीं है, तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन और निष्कर्ष का, जैसे यहाँ से निष्कर्ष क्या बताया गया, निष्कर्ष कह रहा है कि यक्ष जो है दोस्तों वह जा सकता है वाई के पास, क्या यक्ष वाई के पास जा सकता है, देखते हैं आगे यक्ष वाई कहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, तो देखेंगे पहले ही दोस्तों यहाँ पर इसका घर बंद कर दिया गया, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। सेकंड यल जो है क्या के पास जा सकता है, यल यहाँ पर है और यन यहाँ पर है, यन इस जगह पर है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से जा सकता है, मगर यहाँ पर जैसे आएंगे दोस्तों वह घर क्लोज कर देगा यक्ष वाला, तो इसलिए नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर भी आ रहा है कि ना तो एक निष्कर्ष सत्य है और ना तो निष्कर्ष एक सत्य है और ना ही हम कहेंगे सेकंड सत्य है, तो यहाँ पर चाहो पांचवा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कथन और निष्कर्ष का, दोस्तों जैसे बात पूछा गया है कि क्या निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, क्या पी जो है बड़ा है यस से, क्या पी बड़ा है, मतलब कि ओपन यह क्या कहता है कि घर जो हमको यस के पास जाना हुआ घर के, तो क्या पी यस के घर जा सकता है, क्या पी यस के घर जा सकता है, तो यहाँ से देखते हैं हम तो सही है, यहाँ से भी जा सकता है और इस जगह पर दोस्तों यह बराबर ही दे दिया गया है, हम कहेंगे दोस्तों यह गलत हो जाएगा। आगे क्या यह जा सकता है यस के पास, हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसके बराबर है। आगे बात करेंगे कि कम से कम एक घर के अंदर डोरमेट नहीं होना चाहिए, कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो डोरमेट यहाँ पर भी कंडीशन यहाँ नहीं है, तो इसलिए आप जा सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या दोस्तों ओ जो है क्यों जो है क्या ओ के पास आ सकता है, क्यों ओ के पास आ सकता है, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक बिल्कुल सही है, आगे भी
बिल्कुल दोस्तों वह आ सकता है, तो हम कहेंगे यह भी सही हो जाएगा, यह भी निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, हम कहेंगे केवल या तो नहीं ना तो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ई वाला सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कथन 6 दिया गया है, कहा गया है निष्कर्ष यहाँ से बात करते हैं, क्या सी जो भी जो है क्या सी के पास जा सकता है, भी सी के पास जा सकता है, तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ओपन है, सही है, घर ओपन है, जा सकता है, ओपन है, यहाँ पर जा सकता है। मगर दोस्तों सेकंड कंडीशन बात करते हैं, तो सेकंड कंडीशन की कम से कम एक के पास डोरमेट होना ज़रूरी है। डोरमेट दोस्तों यहाँ पर भी है, और डोरमेट यहाँ पर भी एक है, और डोरमेट यहाँ पर भी है। तो कहेंगे दोस्तों आप यहाँ से बात करते हैं कि आप भी जो है वाई सी के पास जा सकता है, जी हाँ जा सकता है, भी सी के पास जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों निष्कर्ष एक सही हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड क्या है, क्या यन जो है दोस्तों वह ई के पास जा सकता है, यन ई के पास जा सकता है दोस्तों, मगर यहाँ पर देखेंगे दो डोरमेट आ रहे हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही होने वाला वह निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्या बताया गया है इस प्रकार से, तो हम यहाँ से निष्कर्ष के देखते हैं, निष्कर्ष क्या दिख रहा है। कहा गया है कि यहाँ पर कि के जो है दोस्तों वह यल, मतलब कि यल जो है दोस्तों वह के घर जा सकता है, यल के घर जा सकता है, तो यल यहाँ पर है और के कहाँ पर है दोस्तों, के अगर बात करते हैं दोस्तों के तो इसमें आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर के आ रहा है भाई, के यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें और इनमें क्या कॉमन है, इनमें और इनमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डी डी इसमें नहीं है, तो यहाँ पर बी बी है, सही है, तो यह बी के घर जा सकता है यल, और बी दोस्तों जो है वह या के यस के भी घर जा सकता है, और बी जो जो जब यस के घर था वो तो वह के घर, हम कहेंगे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यह बिल्कुल सही होने वाला। सेकंड यच जो है क्या के घर जा सकता है, यच जा सकता है ओ के पास, ओ दोस्तों जा सकता है, हम कहेंगे बराबर है, सही है यहाँ से, तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यू के घर जा सकता है, बी के घर जा सकता है। आगे बी और के से बी जो है दोस्तों वहाँ यस के घर जाए यहाँ, और आगे दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो हम कहेंगे जब इसमें एक डोरमेट है तो सब में एक डोरमेट होना चाहिए, मगर यहाँ पर डोरमेट नहीं दिया गया, तो इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो सही होने वाला, हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका गलत मतलब सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा गया दोस्तों कथन और निष्कर्ष का यह प्रश्न है, कहा गया है कि इसमें से निष्कर्ष क्या बता रहा है, निष्कर्ष जो है दोस्तों कह रहा है कि ए जो है वह डब्लू जो है वह क्यों के घर जा सकता है, डब्लू क्यों के घर जा सकता है क्या, तो यहां से देखेंगे हम, डब्लू जो दोस्तों वह एक्स के घर जा सकता है, बिल्कुल सही है, और एक्स दोस्तों जो है दोस्तों वह बी के एल के घर भी जा सकती है, यल के घर भी जा सकती है, तो कहा गया है कि इसमें कम से कम एक डोरमेट होना चाहिए, तो यह बी के घर भी जा सकती है, और बी जो दोस्तों वह यल के घर भी जा सकती है। तो यहां से आगे देखते हैं हम, आगे अगर देखेंगे हम क्या क्यों जो है दोस्तों मतलब यल जो है तो क्या क्यों के घर जा सकता है, जी हाँ जा सकता है, तो यहां से आठवां निष्कर्ष जो हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि यह निष्कर्ष पहला सही जवाब आ जाएगा, पहला निष्कर्ष सही जवाब निकल के आ जाएगा। सेकंड निष्कर्ष क्या, यस जी के पास जा सकता है, यस जी के पास जा सकता है, यस जो है दोस्तों वह जी के घर जा सकता है कि नहीं, आगे यहाँ से देखते हैं हम, यस यहाँ पर है, यस जा सकता है यस के घर, यक्ष के घर, और यक्ष दोस्तों जो है जो वह जी के घर जा सकता है, बिल्कुल सही होने वाला है, और कहा गया है कि कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो इसके पास दोस्तों डोरमेट नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर जो दोस्तों दिया गया है यहाँ पर, तो यह भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक और दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो विकल्प नंबर ई सही जवाब। नेक्स्ट निष्कर्ष और कथन का यह भी है, तो मतलब कि हम कहेंगे यहाँ पर निष्कर्ष कथन मतलब सारे होने वाले हैं निष्कर्ष ही कथन के,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहा गया है डब्लू क्यू के घर जा सकता है मगर उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, कि दोस्तों जो है क्या जा सकता है मगर वह क्या होना चाहिए, बराबर भी, मतलब कि एक डोरमेट उसके घर में होना चाहिए, जरूरी है उसके घर में एक डोरमेट होना जरूरी है। तो यहाँ से देखते हैं आगे, डब्लू इस जगह पर दिया गया है तो क्या क्यों के घर जा सकता है, नहीं यहाँ पर ही क्लोज आ गया, पहले ही घर क्लोज कर दिया तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों ई जो है वह जी के घर जा सकता है, क्या ई जी के घर जा सकता है, तो आगे देखते हैं, ई जो है दोस्तों वह एन के घर आ सकता है और यन ओ के घर नहीं जा सकता है, आगे यन यहाँ पर दिया गया है और यन दोस्तों हम कहेंगे वह ए के घर जा सकता है, ये दोस्तों जो है वह बताया गया है, बताया गया कि यहाँ पर ए जो है वह क्यू के घर भी जा सकता है और क्यू दोस्तों वह जी के घर भी जा सकता है। तो आगे क्या कंडीशन दूसरी है कि यहाँ पर एक भी डोरमेट नहीं, तो हम कहेंगे एक भी घर के बाहर एक भी डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से जो याद सही हो जाएगा या बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा अनुसरण करता है, हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ से बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, हम अगला प्रश्न कहा गया है निष्कर्ष की जो है ई जो है वह यफ के घर जा सकता है, ई यफ के घर जा सकता है, ई यहाँ पर है और यह यश के घर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, यश दोस्तों जो है यफ के घर जा सकता है। और आगे जब यहाँ पर दोस्तों एक भी डोरमेट नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक में डोरमेट आना चाहिए, कोई नहीं मतलब कम से कम एक में डोरमेट नहीं आना चाहिए, दोस्तों यहाँ पर डोरमेट नहीं दिया गया तो दोस्तों इसलिए यह बनाया जा सकता है। सेकेंड, क्या दोस्तों ए जो है मतलब कि यम ए के पास जा सकता है, ए यम जो है ए के पास जा सकता है मगर ए जो है यम के पास नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो इस जगह से देखते हैं क्या यम क्यों के पास जा सकता है, नहीं, जब पहला ही गलत हो गया यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, तो इसलिए केवल और केवल यहाँ पर भी निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, निष्कर्ष सेकंड मतलब कि फर्स्ट वाला अनुसरण करता है, केवल ए वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा, केवल ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है या तो का, या तो मतलब नाइदर आर का, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं दोनों में सेम ही वैल्यू है, और एक बार कहा गया है क्या पी टी के पास जा सकता है, पी जो है दोस्तों क्या टी के पास जा सकता है, टी नहीं, यहां से हम देखने वाले थोड़ा बहुत, क्या पी जो है टी के घर जा सकता है, पी आर के घर जा सकता है और आर जो है दोस्तों वह टी के घर जा सकता है, आर टी के घर जा सकता है। और आगे बात करते हैं तो यहां से कम एक में डोरमेट नहीं होना चाहिए, दोस्तों यहाँ पर भी डोरमेट है और इस जगह पर भी डोरमेट है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत होने वाला है। सेकंड, क्या कहा गया है कि पी जो है वह डबल या डोरनेट है, डबल डोरनेट है, तो यहाँ से देखते हैं क्या पी जो है वह टी के पास डबल मोटरमेट संबंधित है, क्या टी पी के पास जा सकता है कि नहीं, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर डबल डोरमेट नहीं है, तो इसलिए दोस्तों या तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और कुछ सही होने वाला कौन सा, तो यहाँ पर आयदर आर का, मतलब ना तो यहाँ पर एक सही है और ना ही सेकंड सही है, तो आयदर आर का निष्कर्ष सही जवाब आने वाला, तो हम कहेंगे यहाँ पर या तो एक सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार बताया गया है गलत है, मतलब एक बार बताया गया बड़ा है और यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों सेम है और कंडीशन भी यहाँ पर मिल रही है दोस्तों, कंडीशन यहाँ पर किस प्रकार से मिल रही है, तो हमने बताया था कि अगर इस प्रकार का आता है, अगर इस प्रकार का आता है दोस्तों, तो हम कहेंगे यह यहाँ पर बराबर था, तो यह दोनों आपस में संबंधित हो जाएंगे, अब बाकी इन दोनों का संबंध आपस में होगा, तो हम कहेंगे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है लॉजिक, इस वाला मतलब पहला वाला, तो यहाँ पर हम कहेंगे यह निष्कर्ष यहाँ पर या तो एक सही है या तो दो सही होने वाला है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न दिया गया है या भी यहाँ से निष्कर्ष, हम दोस्तों हर में निष्कर्ष हम प्रश्न क्यों पढ़ेंगे भाई, हमको कथन नहीं पढ़ना, हमको निष्कर्ष पढ़ना, निष्कर्ष को देखकर कथन में हम सही कर देंगे। जैसे यहाँ पर यस और यल के बीच में कम से कम दोस्तों हम कहेंगे दो डोरमेट जरूर आना चाहिए, मगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंगल है, सिंगल यहाँ पर, सिंगल यहाँ पर, तो हम कहेंगे यह वैसे ही गलत हो जाएगा। आगे
क्या यल जो है दोस्तों यश के घर जा सकता है, यल यश के घर जा सकता है। तो यहां से देखेंगे हम, तो इस जगह पर दोस्तों आने वाला है कि यल क्या यश के घर जा सकता है, बिल्कुल यहां पर आई है, यन है, बड़ा है। तो कम से कम कहा गया है कि इसमें डोरमेट नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कम से कम एक में डोरमेट नहीं आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक डोरमेट दिया गया, इस जगह पर एक डोरमेट और इसमें भी डोरमेट, तो हम कहेंगे कम से कम एक में डोरमेट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर सम में दिया गया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा मतलब कि क्या होने वाला, जैसे हम बात करते हैं तो इनमें हम कहेंगे या तो का ऑप्शन आ जाएगा, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, या तो पहला सही है दूसरा, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट कहा गया है कथन, कथन और यहाँ पर यह बात करती है कि निष्कर्ष क्या दिया गया, क्या जेड क्यू के पास जा सकता है, जेड क्या क्यू के घर, मतलब कि जेड और क्यू दोनों आपस में हम कहेंगे इक्वल टू है, मतलब इक्वल है। तो यहाँ से देखेंगे हम जेड का क्यू से, तो जेड का क्यू यहाँ से देखते हैं हम, क्या जेड जो है दोस्तों वहाँ क्यू के घर जा सकता है, जेड क्यू के घर जा सकता है कि नहीं, तो जेड यहाँ पर है और क्यों यहाँ पर है। हम कहेंगे इन दोनों के बीच में कभी भी हम कर देंगे तो यह डबल डोरमेट नहीं आने वाला है, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ से हम चेक करते हैं क्या जेड जो है दोस्तों वह क्यों के घर जा सकता है, जेड क्यों के घर क्या जा सकता है, जेड ए के घर चला जाएगा, ए से एक्स के घर चला जाएगा, और दोस्तों आगे ए यहाँ पर दिया गया है, और आगे क्या निकल के आना, ए यहाँ पर दिया गया, ए जो है दोस्तों वह जा सकता है जे बी के घर, बी दोस्तों अब यहाँ पर इक्वल टू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इक्वल टू हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा निकल के आएगा, या तो एक सही या तो सेकंड, विकल्प नंबर सी सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की कहा गया है दोस्तों कि यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया गया, तीन बड़ा है बराबर है, मतलब कि तीन जो है वह पाँच के घर जा सकता है, तीन पाँच के घर जा सकता है, कैसे दोस्तों जा सकता है, मगर यहाँ पर कहा गया है कि कंडीशन एक डोरमेट जरूर आना चाहिए, एक डोरमेट जरूर आना चाहिए, जो कि यह गलत हो जाएगा। आगे क्या तीन जो है दोस्तों आप पाँच के घर जा सकता है, तीन पाँच के घर जा सकता है, बिल्कुल सही दोस्तों। आगे डोरमेट की कम से कम एक घर में डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर पाँच वाले में डोरमेट नहीं है, तो इसलिए दोस्तों यह भी सही, यह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हम कहेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष सेकेंड सही होने वाला है। तो यहां से दोस्तों यह भी सही जवाब, तो यहां से कौन सा निष्कर्ष हम कहेंगे, केवल और केवल निष्कर्ष नंबर दो अनुसरण करता है, विकल्प नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहा गया है पी जो है दोस्तों वह टी के घर जा सकता है, पी टी के घर क्या जा सकता है, जी हाँ यहां से जा सकता है, और आगे क्या कहा गया है, कहा गया है कि कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से यह गलत हो जाएगा क्योंकि सबके पास डोरमेट है। आगे पी जो है क्या टी के घर जा सकता है, यहाँ पर कहा गया डोरमेट का, डोरमेट यहाँ पर डबल डोरमेट आएगा, मगर यहाँ से देखते हैं हम सिंगल डोरमेट है, यह भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में कहा गया दोस्तों, थर्ड वाले में कि बताया गया है कि थर्ड वाला है वह दोस्तों बड़ा है, और मतलब कि वह यश के घर जा सकता है, वह यश जो है आर के घर जा सकता है, यस आर के घर जा सकता है, तो यहां से हम कहेंगे बिल्कुल सही जवाब आने वाला है, बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहां पर कौन सा सही है, यहां पर केवल और केवल निष्कर्ष नंबर तीन अनुसरण करता है, केवल और केवल निष्कर्ष नंबर तीन अनुसरण करता है, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, तो हम कहेंगे दोस्तों यहां पर जो सही होगा इन दोनों में देखेंगे, या पी सेम है या बी सेम है, या बी सेम है या सी सेम है, जिसमें भी दोस्तों या दोनों सेम हम कहेंगे वहां पर आइदर आर का केस बनेगा। तो यहां से क्या निकल कर रहा है, केवल या तो एक सही है या सेकंड सही है, मतलब कि और थर्ड वाला अनुसरण करता है, विकल्प नंबर डी दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर डी जैसे सही आता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यहां से दोस्तों बात करेंगे हम, क्या पी जो है दोस्तों वह वाई के घर जा सकता है, पी वाई के घर जा सकता है, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर क्लोज आ गया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आगे y जो है क्या p के घर जा सकता है, y p के घर जा सक नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज आ गया है, यहाँ से दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाओगे दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना तो या एक नहीं,
कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। विकल्प नंबर ई सही जवाब निकल के आने वाला है, विकल्प नंबर ई सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट 17वां दिया गया है। दोस्तों यहां से हम बात करते हैं, क्या यम ओ के घर जा सकता है? यम ओ के घर नहीं जा सकता है, कभी नहीं, गलत। क्या सी बराबर टी है? क्या मतलब कि सी जो है वह इनके टी और सी के बीच में डबल डोर मेटर है, नहीं आ रहा है, तो यह भी गलत। आगे ओ जो है दोस्तों वह जेड के बराबर, मतलब कि जेड के घर पूरा बराबर है, कहेंगे नहीं, यह भी गलत है। आगे यहाँ पर दिया गया, क्या पी टी के घर जा सकता है? क्या पी टी के घर जा सकता है? दोस्तों पी जो है दोस्तों वह ओ के घर आ सकता है, और ओ दोस्तों हम कहेंगे वह टी के घर जा सकता है। कम से कम एक के बीच में नहीं आना चाहिए डोरमेट, हम कहेंगे कम से कम एक में ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक भी डोरमेट ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों डोरमेट कहाँ है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर जो सही होने वाला है वह विकल्प नंबर दोस्तों इसका 4 सही होने वाला है, चौथा विकल्प सही होने वाला था। तो यहाँ से हम कहेंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया है, कहा गया है कि यहाँ से अगर बात करते हैं तो कौन सा निश्चित रूप से गलत है। हमको दोस्तों गलत की पहचान करनी है। क्या यक्ष जेड के घर जा सकता है? यक्ष जेड के घर बिल्कुल जा सकता है, यक्ष जो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा यहाँ पर पहला वाला। नीचे सेकेंड वाले की बात करते हैं, क्या दोस्तों यक्ष टी के घर जा सकता है? यक्ष टी के घर दोस्तों यहाँ से जा सकता है कि नहीं, तो देखते हैं। यक्ष जो है, यक्ष यहाँ पर दिया गया है और टी यहाँ पर आ रहा है, टी इस जगह पर आ रहा है, तो हम कहेंगे पहले ही क्लोज कर दिया, तो इसलिए दोस्तों यहाँ सही होने वाला है विकल्प नंबर, हम कहेंगे यहाँ से सही होने वाला है सेकेंड, यह नहीं अनु मतलब यह इसमें नहीं है। तो यही पूछा गया है कौन सा निश्चित रूप से गलत है, तो हम कहेंगे सेकेंड वाला जो दिया गया है यह निश्चित रूप से गलत होने वाला है, यह निश्चित रूप से गलत निकल के आ जाएगा। आगे नेक्स्ट यह प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ पर इसे इस प्रकार का प्रश्न आता है, बताया गया है कि कहाँ पर दोस्तों यह इस प्रकार का सत्य नहीं है, मतलब कि यह अविभक्त है तो मतलब कि सत्य नहीं है, मतलब कि यह सत्य नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं कहा गया है कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो यह किसमें कंडीशन दिख रहा है। अगर यहाँ से बात करते हैं P के बराबर हो गया, P जो दोस्तों हुआ है वह हम कहेंगे Q के घर और Q R के घर जा सकता है, गलत। देखते हैं दोस्तों फर्स्ट वाले से अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले में क्या यहाँ पर दोस्तों अब सत्य नहीं है, मतलब कि यह सत्य नहीं होने वाला है। यम पी के बराबर, मतलब पी के घर जा सकता है बिल्कुल, और पी जो दोस्तों वह क्यू के घर जा सकता है, और क्यू जो दोस्तों वह आर के घर जा सकता है। तो आगे क्या बताया गया है कि यहाँ पर यम आर के पी के घर आ गया, सही है, और पी जो है दोस्तों वह क्यू के घर, क्यू दोस्तों आर के घर दिया गया है, तो यहाँ से हम कहेंगे यह भी सत्य हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर यह भी सत्य होने वाला है। आगे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से पी जो है यम क्या आर के घर जा सकता है, यहाँ से तो देखेंगे बिल्कुल जा सकता है, यह भी आगे आर यम यम आर के घर जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यह भी आगे यहाँ से डी वाले की बात करते हैं हम, तो क्या यम जो है सी के घर आर के घर जा सकता है? जी हाँ, यहाँ से भी जा सकता है। ई वाले में देखते हैं दोस्तों, क्या यम जो है दोस्तों वह आर के घर जा सकता है? यहाँ से देख रहे हैं आगे यहाँ पर क्लोज का है, तो यह बिल्कुल गलत होने वाला है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो निष्कर्ष मतलब कि ई वाला दिया गया, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया है कि क्या डी जो है दोस्तों वह ए के घर जा सकता है? डी यहाँ पर दिया गया है, ए के घर वह जाएगा, तो डी यहाँ से सी के घर जाएगा, मतलब कि निश्चित रूप से सत्य है, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लोज आ गया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। आगे आगे यहाँ पर भी क्लोज आ गया, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सी डी सी के घर जा सकता है, सी यहाँ से यहाँ, मतलब कि कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं है, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। निष्कर्ष नंबर सेकेंड जो मतलब कि सी वाला दिया गया दोस्तों, यह इसका सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां प्रश्न दिया गया दोस्तों, क्या बताया गया, कहा गया है कि यफ यच के घर जा सकता है, यफ यच के घर जा सकता है, प्लस में एक डोरमेट होना जरूरी है, क्या जे यच के घर जा सकता है? यह भी दोस्तों दोनों निष्कर्ष यहाँ पर चेक करना है, दोनों को चेक करना है। जैसे यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, क्या यफ यच के घर जा सकता है,
तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जा तो सकता है मगर कम से कम एक डोरमेट आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, या तो पहले ही क्लोज कर दिया जो कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या या फिर यच के घर जा सकता है, यहाँ से देखेंगे। जी हाँ जा सकता है, जी हाँ दोस्तों, वह हम कहेंगे यहाँ पर वह जा सकता है, वह जा सकता है। तो आगे सेकंड वाला बात करते हैं, जे दो है जो क्या यच के घर जाएगा, मतलब या जे को यच के घर पहुँचाना है। जे यहाँ से चला जाएगा आई के घर, आई से दोस्तों वह यच के घर भी चला जाएगा। तो विकल्प नंबर जो दिया गया दोस्तों सी वाला, यही से यहाँ पर सत्य जवाब निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां है। कहा गया है इसमें भी दोस्तों उसी प्रकार से है, मगर इसमें पी को ए के घर जाना है। हमको किसके घर जाना है, पी से हमको ए के घर जाना हुआ। तो पी से अगर हम ए के घर जाते हैं तो देखेंगे किसमें को, और आगे टी एल से हमको टी के घर जाना हुआ, एल से टी के घर जाना हुआ। तो यह निश्चित रूप से सत्य है, यह निश्चित रूप से सत्य है। तो यल से हमको जाना हुआ दोस्तों, यल से हमको जाना हुआ टी पर, तो टी यहाँ पर दिया गया है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का निशान आने वाला है, यहाँ पर इस प्रकार का निशान अगर निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे यह जा सकता है। यहाँ से कम एक में डोरमेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यह सब में डोरमेट होना चाहिए डबल डबल। तो यहाँ से भी यहाँ पर भी डबल डोरमेट निकल के आएगा, डबल डोरमेट निकल के आएगा अगर यह निश्चित रूप से सही है। तो अगर फर्स्ट वाले की बात करते हैं, पी जो है दोस्तों वह हम कहेंगे एक ही घर जा सकता है क्या, तो यहाँ से देखेंगे जी हाँ जा सकता है। तो कहा गया आगे क्या कंडीशन बचती है, कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। तो हम कहेंगे जो यहाँ पर निकल के आने वाला दोस्तों वह इस प्रकार से निकल के आने वाला है। इसको दोस्तों आप मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया है, कहा गया दोस्तों यह निश्चित रूप से सत्य है, तो बताना इनमें कौन सा होने वाला है। यह हम कहेंगे बी जो है दोस्तों वह यन के पास जा सकता है। जब बी यन के पास जा सकता है तो ध्यान देना, तो यहाँ पर इस प्रकार से आने वाला है, सबकी जगह पर यहाँ पर इस प्रकार से आने वाला है। क्या यल दोस्तों वह डी के पास जा सकता है, यहाँ से यल भी डी के पास जा सकता है, यल भी डी के पास जाएगा, मगर यहाँ से बात किया गया कि हर जगह पर डबल डोरमेट आना चाहिए, मतलब कि एक डोरनेट तो जरूर आना चाहिए, इस प्रकार का आएगा और एक डोरनेट जरूर आएगा, इस प्रकार से एक डोरनेट जरूर आएगा। तो आगे यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन बननी हुई तो हम कहेंगे कम से कम एक के पास डोरमेट नहीं होना चाहिए, तभी यह वाली कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर एक के पास नहीं है, किसके पास, बी और एल के बीच में इनके पास नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बराबर दिया गया जो कि गलत है, बिल्कुल गलत होने वाला, ए वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर देखते हैं हम बी वाले को दोस्तों यहाँ से, तो बी वाला कहा गया है कि कम से कम एक के पास डोरमेट, मतलब यहाँ पर भी बराबर दिया गया जो कि यह भी गलत है। आगे अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, यह भी गलत होने वाला है, यह भी गलत होने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर बी है बड़ा है, सही है, बराबर का मतलब एक डोरमेट जाएगा, सही है बिल्कुल, और यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, और सिंगल डोरमेट हम कहेंगे विकल्प नंबर जो डी दिया गया है यह बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर डी। इसके स्थान पर अगर हम विकल्प नंबर डी को भर देते हैं तो हम कहेंगे यह पूरा का पूरा निष्कर्ष एक हमारा सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया दोस्तों 24वां और 25वां। अगर हम इनकी बात करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है, पी जो है दोस्तों वह क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है। अगर हम कहेंगे दोस्तों छोटा या बड़ा का आता है, तो यहाँ से जो निकल के आने वाला दोस्तों वह निकल के आ जाएगा, मतलब हम कहेंगे जो परसेंटेज बराबर आ रहा है, परसेंटेज बराबर क्या निकल के यहाँ से आ रहा है, अगर हम परसेंटेज बराबर निकालते हैं तो परसेंटेज बराबर बड़ा है और बराबर है, के से छोटा नहीं है, से छोटा नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो हम कहेंगे यहाँ बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है, बड़ा या बराबर दोनों हो सकता है। आगे पी इतने का अर्थ है कहा गया क्यों, पी जो है वह क्यों से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो यह बड़ा हो जाएगा। यह हम कहेंगे यहाँ पर कॉपीराइट का क्या आ रहा है, बड़ा वाला आ रहा है। आगे कहा गया स्टार का अर्थ है पी जो है वह क्यों से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, पी जो है क्यों से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है,
तो यहाँ से स्टार का अर्थ क्या रहा है दोस्तों, ना बड़ा है ना बराबर है, तो हम कहेंगे वह छोटा है। आगे इसका डॉलर का अर्थ दिया गया, डॉलर का दोस्तों क्या दिया गया, कहा गया अर्थ है पी जो है वह बड़ा है क्यों से, क्यों से बड़ा नहीं है, पी क्यों से बड़ा नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे बड़ा नहीं है तो यहाँ पर कैसा बनेगा डॉलर का, तो डॉलर का हम कहेंगे बड़ा नहीं है तो बराबर या हो जाएगा इस प्रकार से। आगे पी जो है एट द रेट का क्या अर्थ है कि पी क्यों से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एट द रेट का अर्थ क्या आएगा, यहाँ पर बराबर निकल के आने वाला है। दोस्तों इसको हम ध्यान दिए रहेंगे इस चिन्ह को, आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो यहाँ से जो 24वां प्रश्न दिया गया है, कहा गया है इसका डॉलर और के, यहाँ पर अगर हम डॉलर के पास, डॉलर को क्या हमने निरूपित किया था, हम डॉलर को दोस्तों निरूपित किए थे इस प्रकार का चिन्ह था, मतलब कि वह छोटा है, मतलब कि आर जो है इस प्रकार का चिन्ह, और आगे स्टार में स्टार को जो चिन्ह मिला था वह दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह मिला था। आगे अगर बात करते हैं एट द रेट का क्या उनसे चिन्ह है, अगर हम एट द रेट का चिन्ह करते हैं तो यहाँ से दोस्तों बराबर का निकल के आने वाला है, बराबर का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो दिया गया है कि जे कॉपीराइट, कॉपीराइट का क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, अगर हम कॉपीराइट का देखते हैं दोस्तों, कॉपीराइट यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से भी इस प्रकार से आ जाएगा। और स्टार की जगह पर क्या है दोस्तों, स्टार की जगह पर इस प्रकार से। अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाले को, मतलब कि जो जे है दोस्तों वह सब सब मतलब के घर जा सकता है, जे क्या के घर जा सकता है, तो जे यम के घर जा सकता है, यम जो है दोस्तों वह के घर जा सकता है, यम के घर जा सकता है, और के दोस्तों जो है वह क्या जे के घर जा सकता है, के जे मतलब जे जो है दोस्तों वह के घर जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। निष्कर्ष सेकंड क्या दिया गया है, क्या यम जो है दोस्तों वह आर के घर जा सकता है, क्या यम आर के घर जा सकता है। यहाँ से हम बात करते हैं यम, यम यहाँ पर दिया गया है जी, यम के घर जा सकता है, और के दोस्तों वह आर के घर जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। आगे हम बात करेंगे थर्ड वाले का, तो थर्ड वाला हम कहेंगे जे क्या आर के घर जा सकता है, जे आर के घर बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, हम कहेंगे एट द रेट का अर्थ क्या था, एट द रेट, रेट का जो दोस्तों यहाँ पर अर्थ निकल के आने वाला था, एट द रेट का अर्थ क्या था, एट द रेट का अर्थ था इक्वल टू, मतलब बराबर था। और आगे कॉपीराइट का क्या अर्थ था, तो कॉपीराइट का जो अर्थ निकल के आना दोस्तों वह इस प्रकार का आने वाला है, इस प्रकार का आने वाला है। आगे स्टार का क्या अर्थ है दोस्तों, तो जो स्टार का अर्थ आने वाला दोस्तों वह इस प्रकार से आने वाला है, मतलब जहाँ जहाँ पर स्टार दिया गया वहाँ पर इस प्रकार से हम लगा देंगे, और यहाँ पर हम इस प्रकार से लगाने वाले। तो कहा गया है क्या यफ जेड के घर जा सकता है, यफ जेड के घर क्या जा सकता है, तो यहाँ से देखेंगे हम यफ यम सही है, यम जो है यहाँ से के घर, के जो तो जो है जो अगर हम के की बात करते हैं तो के यहाँ पर क्या जेड यफ जो है दोस्तों वह जेड के घर जा सकता है, यफ यहाँ से बात करेंगे वह के घर जा सकता है, मगर के दोस्तों वह यम के घर नहीं जा सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। क्या जेड के घर जा सकता है, जेड के घर, अब जेड को जाना है के घर, तो यहाँ से देखेंगे हम जेड को यहाँ से निकालेंगे हम, के घर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल जा सकता है। यहाँ से बात करते हैं क्या यफ यम के घर जा सकता है, यफ यम के घर क्या जा सकता है, हम कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज हो गया घर, तो इसलिए जो सही होने वाला है हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष सॉरी यहाँ पर या नहीं होगा, केवल निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पर सेकेंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकेंड सही जवाब आने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जाने से पहले दोस्तों यहाँ पर इन निष्कर्षों को हम चेक कर लेते, जैसे यहाँ पर डॉलर का क्या सिंबल है, डॉलर का सिंबल होने वाला है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो क्या बचता है, छोटा है वह छोटा है, तो यहाँ से डॉलर का आंसर निकल रहा है छोटा। आगे पी जो है वह क्यू से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे बड़ा का निकल के आएगा, बड़ा है मतलब। आगे पी एंड का क्या अर्थ है दोस्तों,
एंड का अर्थ है पी क्यू से बड़ा है। पी जो है दोस्तों वह बड़ा है किससे, हम कहेंगे पी बड़ा है क्यू से, बड़ा नहीं है, सॉरी बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो क्या आएगा, हम कहेंगे अगर बड़ा नहीं है तो इसका जो सिंबल आने वाला है वह हम कहेंगे बड़ा नहीं है तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से निकल के आने वाला है। इसका क्या अर्थ है, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो कैसा आएगा दोस्तों, किसका अर्थ, परसेंटेज का, परसेंटेज का अर्थ क्या, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो यहाँ से कैसा आएगा, अगर हम छोटा नहीं है तो इस प्रकार से आने वाला है। आगे इसका कापी राइट का क्या अर्थ दिया दोस्तों, कापी राइट का अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो कापी राइट का पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो यहाँ पर दोनों का बराबर निकल के आ जाएगा। तो आगे जो निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट से बात करते हैं, जो यहाँ पर कथन दिया गया है कहा गया परसेंटेज एच परसेंटेज डी, तो इस परसेंटेज का क्या अर्थ था, तो परसेंटेज का दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं जो परसेंटेज का अर्थ निकल के आने वाला है, परसेंटेज का अर्थ इस प्रकार से दिया गया था। आगे डी एट द रेट, एट द रेट का क्या अर्थ है दोस्तों, एट द रेट का अर्थ इस प्रकार से है, और बी एंड का अर्थ क्या है, एंड का जो अर्थ है दोनों दोस्तों आने वाला है वह इस प्रकार से आने वाला है। आगे डब्लू परसेंटेज यन, परसेंटेज का अर्थ अभी मैंने आगे देखा था, तो यहाँ से बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष दोस्तों क्या निकल रहा है, अगर यहाँ से हम निष्कर्ष बात करते हैं, एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट का अर्थ है इस प्रकार से, और एट द रेट का इस प्रकार, डॉलर का क्या अर्थ है, डॉलर का दोस्तों यहाँ पर अर्थ दिया गया है, डॉलर का क्या अर्थ है, तो डॉलर का यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, डॉलर दोस्तों इस प्रकार से निकल के आने वाला है। हम दोस्तों इस जगह से अगर हम जोड़ते हैं तो क्या यच जो है बी के घर जा सकता है, क्या यच बी के घर जा सकता है, क्या यच बी के घर जाने वाला दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर यच डी के घर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और डी जो दोस्तों बी के घर जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर यह सही हो जाएगा। आगे क्या यन बी के घर जा सकता है, यन बी के घर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर ही क्लोज आ गया है, तो इसलिए यह भी क्लोज हो जाएगा। नेट नीचे क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले की, तो कहा गया है कि डी जो दोस्तों वह घर जा सकता है डब्लू के, डी घर जा सकता है डब्लू के, तो यहाँ से हम देखेंगे तो डी क्या घर जा सकता, मतलब डी जो है दोस्तों वह डब्लू के घर जा सकता है, तो डी कहाँ पर है, डी इस जगह पर है, तो जा सकता है बी के घर, बी दोस्तों यहाँ पर क्लोज दे दिया गया तो यह भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो विकल्प नंबर बी सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर बी सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, यहाँ पर भी हम वैसे मान रख देते जैसे कॉपीराइट का मान क्या था दोस्तों, कॉपीराइट का मान था बराबर का, और कॉपीराइट कहाँ दिया गया, यहाँ पर एट द रेट दिया था। तो आगे डॉलर का क्या अर्थ था दोस्तों, डॉलर का जो अर्थ होने वाला था वह इस प्रकार का था, आगे एट द रेट का दोस्तों, एट द रेट का इस प्रकार से अर्थ, परसेंटेज का अर्थ दोस्तों होता है परसेंटेज का, हम कहेंगे इस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, क्या टी एट द रेट का क्या अर्थ है दोस्तों, इस प्रकार से होने वाला है, एट द रेट का इस प्रकार से, डॉलर का क्या अर्थ है दोस्तों, तो डॉलर का अर्थ दोस्तों इस प्रकार से होने वाला है। तो आगे जो निष्कथन दिया गया दोस्तों, कथन क्या दिया गया, कथन कहा गया है कि हम कथन निष्कर्ष से, हम निष्कर्ष से इसमें देखेंगे, निष्कर्ष कहा गया दोस्तों या इस प्रकार से, क्या टी जो दोस्तों, टी जो है क्या यन के घर जा सकता है, टी क्या यन के घर जा सकता है, तो यहाँ से हम देखेंगे टी इस जगह पर पकड़ेंगे तो टी तो यहाँ पर क्लोज हो गया तो कैसे जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, क्या जे यन के घर जा सकता है, जे यन के घर जा सकता है, जे जो है टी के घर जाएगा, और टी दोस्तों जो है आर के घर जाएगा, आर अगर हम बात करते हैं जे, जे जो है दोस्तों वह के घर जा सकता है, के हम कहेंगे वह यन के घर, बिल्कुल सही होने वाला है। आगे थर्ड वाला, क्या जे आर के घर जा सकता है, जे आर के घर जा सकता है, तो जे या टी के घर जा सकता है, और टी जो है वह आर के घर भी जा सकता है, तो यहाँ से या वाला भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारा चल रहा है निष्कर्ष, वह निष्कर्ष बिल्कुल चल रहा है, तो यहाँ पर कौन निकल के आएगा, कोई भी, यहाँ पर हम कहेंगे सेकेंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर इस प्रकार से, निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड सत्य हैं, तो विकल्प नंबर ई सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ से बात करते हैं हम
इस प्रश्न की कहा गया कथन स्टेटमेंट को पढ़ना और यहाँ से बताना है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है, कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। जैसे यहाँ से बात करते हैं ए वाले को, हम ए वाले को अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो ए वाले में अगर हम ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या ए वाला बनाया जा सकता है। तो दोस्तों देखेंगे क्या जेड को हमको जाना है के यक्ष के घर, क्या हम जेड से यक्ष के घर जा सकते हैं, यक्ष से जेड के घर, दोस्तों जेड से हमको यक्ष का यहाँ जा सकते हैं, क्या यक्ष से हम एम के घर जा सकते हैं, क्या यक्ष से हम एम के घर नहीं, क्लोज है यहाँ पर। और वैसे भी यहाँ पर एक डोरमेट है, बाकी यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर एक भी डोरमेट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। यहाँ से चेक करते हैं बी वाले में, क्या क्यों दोस्तों हम कहेंगे क्या यम के घर जा सकता है, यम जो है वह यक्ष के घर जाएगा, क्या क्यों यक्ष यम के घर जा सकता है, क्यों यम के घर जा सकता है, नहीं यहाँ पर क्लोज, जब तक क्लोज दिया रहेगा तब तक यह नहीं बनाया जा सकता है, क्या क्यों ए के घर जा सकता है, क्यों ए के घर जा सकता है, और क्यों यक्ष के घर जा सकता है, क्यों यक्ष के घर भी जा सकता है। तो हम कहेंगे कम से कम ए के पास नहीं होना चाहिए डोरमेट, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यह भी सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। तो इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका दो। तो आगे देखते हैं हम, क्या यम आर के घर जा सकता है, यम आर के घर क्या जा सकता है, यक्ष ए के घर जा सकता है, यक्ष ए के घर क्या जा सकता है, तो यहाँ से देखेंगे जो कि क्लोज है दोस्तों, तो यह नहीं जा सकता है, तो कि गलत हो जाएगा। डी वाला चेक करते हैं, यम आर के घर जा सकता है, यम आर के घर जी हाँ जा सकता है बिल्कुल, और आर यक्ष के घर जा सकता है, आर यक्ष के घर बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे यह सही जवाब निकल के आ जाएगा, कौन सा, विकल्प नंबर डी। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों जैसे सही आता है। हम कहेंगे बस इतने ही प्रश्न दोस्तों थे, इसमें सारे के सारे हम आशा करते हैं सारे के सारे दोस्तों हम इसमें टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, इससे ऐसे ही प्रैक्टिस मतलब कि ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए।